दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के लीला स्थलों पर घूमने और दर्शन करने का लाभ मिल सकेगा। राधे राधे दोस्तों, जब आप मथुरा वृंदावन आइएगा तो सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने जरूर आइएगा। ये मंदिर उस जगह पे है जहाँ माना जाता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही औरंगजेब द्वारा बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद भी है। पहले यहाँ पे श्री कृष्ण जी के मामा कंस का जेल हुआ करता था। इसी जगह पे कंस ने अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया था। इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही शिव जी का भूतेश्वर महादेव मंदिर भी है। इस मंदिर को मथुरा की कोतवाली भी कहा जाता है। कहते हैं शिव जी यहाँ से मथुरा की रक्षा करते हैं। कहा जाता है जो आशीर्वाद आपको केदारनाथ मंदिर में प्राप्त होगा, वही सेम आशीर्वाद आपको भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी प्राप्त होगा। राधे राधे दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे श्री कृष्ण जी के मंदिर द्वारकाधीश में आ चुके हैं। कहा जाता है जब श्री कृष्ण जी गुजरात में स्थित द्वारका नगरी जा रहे थे तो वहां जाने से पहले उन्होंने इसी जगह पर विश्राम किया था। द्वारकाधीश मंदिर यमुना के किनारे में स्थित है और यहाँ से विश्राम घाट मात्र 50 कदम की दूरी पे है। मथुरा वृंदावन के लगभग सारे मंदिरों में आपको श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन होंगे, लेकिन इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी के साथ उनकी पत्नी रुक्मणी जी के दर्शन होंगे। विश्राम घाट मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। विश्राम घाट वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था। राधे राधे दोस्तों, हम आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब आपको हम विश्राम घाट में ले आए हैं, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 50 कदम की दूरी पे है। इसी जगह पे श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, इसलिए इस जगह को विश्राम घाट कहा जाता है। विश्राम घाट में श्री कृष्ण जी और बलदेव जी का मंदिर भी है और यहीं पे शाम को श्री कृष्ण जी के मुकुट के दर्शन भी होते हैं। विश्राम घाट से बोट पे बैठ के आप कंस का किला भी देख सकते हैं। बोट में बैठकर आप वासुदेव घाट भी देख सकते हैं, जहां से वासुदेव जी रात में श्री कृष्ण जी को टोकरी में रखकर गोकुल ले गए थे। विश्राम घाट से ही आपको सती का बुर्ज भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बोट में बैठने के बाद विश्राम घाट दूर से देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। शाम को 7:30 बजे यमुना जी की आरती होती है, इसके दर्शन जरूर करिएगा। दोस्तों, विश्राम घाट घूमने के बाद अब हम मथुरा के बिरला टेम्पल आ चुके हैं, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप मथुरा से वृंदावन जा रहे होंगे तो ये मंदिर रास्ते में ही पड़ेगा। इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी की चक्रधारी मूर्ति है। श्री कृष्ण जी मंदिर से बाहर निकलते ही आपको एक ऊंचा स्तंभ देखने को मिलेगा। इसे गीता स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ के ऊपरी भाग में गीता के 700 श्लोक और 18 अध्यायों का पूरा वर्णन अंकित है। बिरला मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको यहां से पागल बाबा मंदिर ले चलते हैं, जो कि यहां से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन में स्थित है। दोस्तों, वृंदावन के पागल बाबा मंदिर को कई लोग आगरा के ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत मानते हैं। पागल बाबा मंदिर के सामने एक कुंड भी है, जिसके सामने शिव जी का एक छोटा मंदिर भी है। इस मंदिर को ध्यान से देखने पे सभी धर्मों की धार्मिक इमारतों की झलक इसमें दिखाई देती है। इस मंदिर में टोटल 9 मंजिलें हैं और हर मंजिल में एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई टोटल 221 फीट है। जिस तरह संगमरमर के ताजमहल को देखने अनगिनत लोग आगरा आते हैं, बाबा चाहते थे कि इसी तरह संगमरमर के श्री कृष्ण जी के इस मंदिर को देखने लोग वृंदावन आए। कहा जाता है पागल बाबा मंदिर की दीवारों पे जो भी मन की मुराद लिखी जाती है वह पूरी हो जाती है, इसलिए पागल बाबा मंदिर की दीवारों में आपको अनगिनत मुरादें लिखी हुई दिखेंगी। इस मंदिर के हर फ्लोर पर मंदिरों के दर्शन करते हुए जब आप टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओगे तो वहां से नीचे देखने पे आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देगा। यह मंदिर ताजमहल जितना ही खूबसूरत है। यहां आने पे बिजली से चलने वाली झांकियों के दर्शन जरूर करिएगा। यहां से अब आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर ले चलते हैं। दोस्तों, पागल बाबा मंदिर से 3 किलोमीटर आगे 10 मिनट की दूरी पे बांके बिहारी मंदिर है। बांके बिहारी मंदिर से निधिवन की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है और यहाँ से निधिवन पहुँचने में 4 मिनट का समय लगता है। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में जो बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी उसी को बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया गया है। बांके बिहारी मंदिर में राधा कृष्णा जी का मिला हुआ रूप उपस्थित है। बांके बिहारी जी के इस स्वरूप में श्री कृष्ण जी और राधा जी आपस में समा गए हैं। यही कारण है कि बांके बिहारी जी की आधी मूर्ति में पुरुष का और आधी मूर्ति में स्त्री का श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति श्री हरिदास जी की पूजा अर्चना से निधिवन में प्रकट हुई थी और उसे कुछ समय के बाद निधिवन से बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कर दिया गया
हरिदास जी अकबर के नवरत्न तानसेन जी के गुरु थे। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी का बाल रूप घंटियों की आवाज से डर न जाए, इसलिए इस मंदिर में घंटियां नहीं लगी हुई हैं। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर से अब हम निधिवन आ चुके हैं। कहा जाता है निधिवन में तुलसी के पेड़ रात में गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और श्री कृष्ण जी के साथ रासलीला करते हैं। दोस्तों, निधिवन में आपको वह स्थान देखने को भी मिलेगा जहां पे बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। यहीं पे प्रकट हुई मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में स्थापित की गई है। निधिवन में ही आपको ललिता कुंड भी देखने को मिलेगा। कहा जाता है श्री कृष्ण जी ने गोपियों की प्यास बुझाने के लिए इस कुएं को अपनी बांसुरी से उत्पन्न किया था। निधिवन में रंग महल भी है जहाँ पे कहा जाता है रात में श्री कृष्ण जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। कहा जाता है हर रात श्री कृष्ण जी और राधा जी रंग महल आते हैं। निधिवन में ही रास मंडल भी है जहाँ पे श्री कृष्ण जी रात में गोपियों और राधा रानी के साथ रास लीला करते हैं। कहा जाता है ये वही जगह है जहाँ पे तुलसी के पेड़ रात में गोपियां बनकर श्री कृष्ण जी के साथ रास लीला करते हैं। निधिवन में ही विश्व का इकलौता बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी स्थित है। अब हम आपको निधिवन के पास स्थित शाहजी और राधा रमन मंदिर के दर्शन करा देते हैं। निधिवन से शाहजी मंदिर 25 कदम की दूरी पे है। पूरे मथुरा वृंदावन में सबसे ज्यादा सामान छीनने वाले बंदर आपको शाहजी मंदिर के आसपास ही मिलेंगे। शाहजी मंदिर को टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के सामने के खंबे टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। यह मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है और इस मंदिर को बसंती कमरे वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में एक ऐसा कमरा है जो सिर्फ बसंत पंचमी वाले दिन ही खोला जाता है। निधिवन से 25 कदम की दूरी पे राधा रमण जी का मंदिर स्थित है। मंदिर मेन गेट से थोड़ा अंदर जाके है, इसलिए गेट के बाहर अगर ग्रीन लाइट जली हो तभी अंदर जाइएगा। रेड लाइट जलने का मतलब है कि मंदिर अभी बंद है। इस मंदिर के अंदर बाहर से लाए प्रसाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। मंदिर की भट्टी में जो प्रसाद बनता है वही श्री कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है राधा रमण मंदिर में स्थित मूर्ति के दर्शन करने मात्र से पूरे वृंदावन धाम के दर्शन करने का फल मिल जाता है। दोस्तों, निधिवन और राधा रमन मंदिर से रंगनाथ जी मंदिर मात्र 5 मिनट की दूरी पे है। श्री रंगनाथ जी मंदिर मथुरा का सबसे बड़ा मंदिर है और यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। दोस्तों, इसी मंदिर में सोने का 60 फीट ऊंचा खंभा लगा हुआ है, इसलिए इस मंदिर को सोने के खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर में वह बैकुंठ द्वार है जिसे जनवरी माह की एकादशी वाले दिन खोला जाता है। यह मेला 10 दिन तक चलता है। हर दिन भगवान अलग अलग वाहनों में बैठकर दर्शन देते हैं। कभी हाथी, घोड़ा, शेर और हनुमान जी भी प्रयोग में लाए जाते हैं। रंगनाथ मंदिर में ही विष्णु जी के वाहनों का एक अलग से कक्ष बना हुआ है जिसमें उनके सोने चांदी के वाहन एक ही जगह पर रखे हुए हैं। रंगनाथ मंदिर के अंदर ही एक बहुत ही खूबसूरत कांच का मंदिर भी है। यहीं पे आपको एक कक्ष में श्री कृष्ण जी की झांकियों के दर्शन भी हो जाएंगे। रंगनाथ मंदिर के अंदर एक कुंड भी बना हुआ है। कुंड के पास ही हनुमान जी जब रावण की लंका जलाकर वापस आए थे उसी रूप में विराजमान है। श्री रंगनाथ जी के मंदिर के दर्शन करा के अब आपको वृंदावन के इस्कॉन मंदिर ले चलते हैं। दोस्तों, श्री रंगनाथ जी मंदिर से अब हम वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में आ चुके हैं। श्री रंगनाथ मंदिर से इस्कॉन टेंपल की दूरी मात्र 3 किलोमीटर की है। वहां से यहां पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्णा बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर को अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूरे वृंदावन में सबसे ज्यादा अंग्रेज आपको इसी मंदिर में दिखाई देंगे। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत है कि इसके अंदर 24 घंटे कीर्तन होता रहता है। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 से 12:30 और शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक की है। मंदिर से आधा किलोमीटर 5 मिनट की दूरी पे प्रेम मंदिर है। अब आपको वहां ले चलते हैं। दोस्तों, वृंदावन से इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम 5 मिनट की दूरी तय करके प्रेम मंदिर आ चुके हैं। दोस्तों, वृंदावन का प्रेम मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। प्रेम मंदिर का निर्माण कार्य कृपालू जी महाराज जी ने करवाया है। यह मंदिर राधा कृष्ण और सीता राम जी को समर्पित है। यह मंदिर 55 एकड़ के इलाके में बना हुआ है और पूरा मंदिर घूमने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इस मंदिर में रात में होने वाला लेजर शो बहुत ही खूबसूरत होता है। इस मंदिर में जाने का सही समय रात का है क्योंकि रात के समय यह मंदिर विभिन्न रंग बदलता है जो कि रात में देखना बहुत ही सुंदर दिखता है। प्रेम मंदिर की तरह ही दिखने वाला एक मंदिर बरसाना में भी है जिसे कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रेम मंदिर से 10 मिनट और 3 किलोमीटर की दूरी पे अब आपको माँ वैष्णो धाम वृंदावन ले चलते हैं। प्रेम मंदिर से माँ वैष्णो धाम के लिए ऑटो आपको आराम से मिल जाएगा। प्रेम मंदिर के रेस्टोरेंट में जरूर जाइएगा, यहाँ बहुत टेस्टी फूड मिलेगा।
दोस्तों, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग के पास 5 मिनट की दूरी पर वृंदावन का एक सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उस मंदिर का नाम है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को 5000 साल पुराना कहा जाता है। मंदिर के मुख्य देवता मदन मोहन है, जो भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक रूप है। ये मंदिर थोड़ी ऊंचाई पे एक टीले पे स्थित है। इस मंदिर से वृंदावन और यमुना नदी का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस कालिया पर विजय पाने के बाद भगवान कृष्ण ने इसी पहाड़ी पर विश्राम किया था। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक की है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे निधिवन के पास स्थित घाटों के दर्शन कराने अब आपको ले चलते हैं। यहाँ से यमुना जी के घाटों की दूरी 10 मिनट की है। यहाँ पे बंदर मोबाइल छीन लेते हैं, उनसे सावधान रहिए। दोस्तों, श्री राधा रमण से 2 किलोमीटर और 10 मिनट की दूरी पर अब हम लोग निधिवन के पास स्थित घाटों के पास आ चुके हैं। यहाँ का एक प्रमुख घाट चीर घाट है। यह वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। इसी घाट में भगवान श्री कृष्ण जी के समय का पुराना कदम्ब का पेड़ आज भी है। दोस्तों, यहाँ पे केशी घाट भी है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने केशी नाम के राक्षस का वध किया था। केशी घाट में हर शाम को आरती भी होती है। निधिवन के पास स्थित केशी घाट वृंदावन के उन शांत स्थानों में से एक है, जहां पर श्री कृष्ण जी ने बचपन में कई चमत्कार किए थे। यहां के घाट बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं और यहां आकर बोटिंग का आनंद जरूर लीजिएगा। ये घाट निधिवन से मात्र 0.5 किलोमीटर 5 मिनट की दूरी पे है। प्रेम मंदिर से अब हम माँ वैष्णो धाम मंदिर आ चुके हैं। इस मंदिर को माँ वैष्णो देवी मंदिर, जो कि कटरा जम्मू में स्थित है, उसकी तरह बनाने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सबसे ऊंची मूर्ति होने के नाते 2013 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मूर्ति का नाम दर्ज किया गया था। इस मूर्ति की ऊंचाई 141 फीट है। इस मंदिर की एक खासियत और है कि इसमें असली गुफा की तरह दिखने वाली एक गुफा बनी हुई है, जिसमें माँ वैष्णो देवी के 9 रूप विराजमान है। माँ वैष्णो के 9 रूप के दर्शन करने के बाद मंदिर की छत पर एक परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। उस मार्ग से हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन पास से कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी धाम का मेन मंदिर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बना हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पे सारे भगवानों की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के गर्भगृह में माँ वैष्णो देवी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर में एक प्रसाद और खजाने का पैकेट मिलता है, वो जरूर लीजिएगा। माँ वैष्णो देवी धाम से कमल मंदिर 2 मिनट की दूरी पे, अब आपको वहां ले चलते। दोस्तों, प्रियांक जू मंदिर ही वृंदावन के कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर की छत पर 125 फीट ऊंचा कमल का फूल बना हुआ है। ये मंदिर माँ वैष्णो धाम से 0.5 किलोमीटर 5 मिनट की दूरी पे है। इस मंदिर के दोनों तरफ सरोवर बने हुए हैं, जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। रात में यह मंदिर लाइट में देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इस मंदिर के गर्भगृह में राधा कृष्ण जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति विराजमान है। मंदिर के चारों कोनों में भगवान गणेश, हनुमान जी और भगवान शिव के मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। कमल मंदिर के दर्शन के बाद अब हम वृंदावन के प्रसिद्ध कांच के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। कमल मंदिर से 7 किलोमीटर और 15 मिनट की दूरी पे अब हम लोग कांच के मंदिर में आ चुके हैं। कांच के मंदिर को ही श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम वृंदावन के नाम से जाना जाता है। मंदिर में एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में सेल्फी पॉइंट है, जिसमें श्री कृष्ण जी अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। दोस्तों, इस मंदिर की छत में, दीवारों में और पिलर्स में सब जगह कांच ही कांच लगा हुआ है। इस मंदिर की कांच की कारीगरी की खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कांच की इतनी सुंदरता देखकर श्रद्धालुओं का मंदिर से, पूजा हॉल से बाहर आने का मन ही नहीं होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस मंदिर के अंदर एक गुफा भी है, जिसका टिकट 5 रुपए है। इस गुफा के अंदर आपको श्री कृष्ण जी की लीला की सुंदर और मनमोहक आकर्षक झांकियां देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में हमने आपको वृंदावन के 13 धार्मिक स्थलों के दर्शन करा दिए हैं। मथुरा के 5 धार्मिक स्थलों के दर्शन अभी बाकी हैं। वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए गाइड का काम करेगा। दोस्तों, मथुरा से गोकुल की दूरी 10 किलोमीटर 25 मिनट की है। इस वीडियो में हम गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण जी के बचपन से संबंधित जगहों के दर्शन भी करा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। नंद भवन यमुना नदी के घाट से जुड़ा हुआ है। यही
जहां पर श्री कृष्ण जी और उनके भाई बलराम का पालन पोषण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल में बिताया था और माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था। यहां पे वो कुंड भी है। जब बालकृष्ण 6 दिन के हुए थे तो माता यशोदा ने उनकी छठी पे यहां पे उनके वस्त्र धोए थे। ये वही जगह है जहां से श्री कृष्ण जी मक्खन से भरी मटकी फोड़ दिया करते थे। गोकुल की इसी जगह से आप होली का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देखते हैं। अब आपको ठकुरानी घाट ले चलते हैं। ठकुरानी घाट गोकुल का बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। कहा जाता है यमुना महारानी इसी घाट के सामने प्रकट हुई थी। ये घाट बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे बोटिंग जरूर करिएगा। यहाँ बंदरों से थोड़ा सावधान रहिएगा। गोकुल में पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। गोकुल की गलियों से अब हम होते हुए 7 मिनट और 3 किलोमीटर की दूरी तय करके रमण रेति आश्रम आ चुके हैं। रमण रेति आश्रम के सामने एक चिड़िया घर बना हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे हिरण देखने को मिल जाएंगे। रमण रेति मंदिर की ये प्रथा है कि यहाँ हाथी ही भगवान की आरती करता है। इसी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल पहले हथनी राधा और हाथी माधव जब वो बहुत छोटे थे तो यहाँ पे लाए गए थे। 5 साल पहले माधव नाम का हाथी ही यहाँ पे आरती किया करता था। बीमारी के कारण जब माधव नाम के हाथी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद राधा नाम की हथनी ने यहाँ पे आरती करने की जिम्मेदारी उठा ली। लगभग 5 साल से राधा नाम की हथनी ही यहाँ पे आरती कर रही है। रमण रेति आश्रम की बालू में ही श्री कृष्ण जी अपने बचपन में खेला करते थे। आज भी जब श्री कृष्ण जी के भक्त रमण रेति आश्रम जाते हैं तो रेत में जरूर खेलते हैं। रमण रेति आश्रम की रेत की एक खासियत है कि ये आपके कपड़े और शरीर पे नहीं चिपकती है। ये मंदिर का गर्भगृह है। रमण रेति आश्रम आइएगा तो यहाँ के कुंड में स्नान जरूर करिएगा। आपको पास में ही 84 खंभा मंदिर ले चलते हैं। रमण रेति आश्रम से 84 खंभा मंदिर मात्र 2 किलोमीटर 6 मिनट की दूरी पे है। भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन 84 खंभा मंदिर में ही बीता था। 84 खंभे के बारे में एक बात और है कि इस मंदिर के 84 खंभे आज तक कोई सही से गिन नहीं पाया है। हर बार गिनती करने में या तो 1-2 खंभे ज्यादा निकल जाते हैं या 1-2 खंभे कम निकल जाते हैं। इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा जी के साथ रहा करते थे। यही कारण है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी का बाल रूप मौजूद है। यहाँ से आपको ब्रह्मांड घाट ले चलते हैं जो कि यहाँ से 3 मिनट 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यमुना नदी के किनारे ब्रह्मांड घाट स्थित है और यहाँ के घाट बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति विराजमान है। ब्रह्मांड घाट वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना मुँह खोल कर माता यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन अपने मुख में ही करा दिए थे। ब्रह्मांड घाट के बगल में ही श्री गुरु शरणानंद महाराज जी का आश्रम है जहाँ पे हर रोज सुबह 5:30 बजे और शाम को 7 बजे यमुना जी की आरती की जाती है। इसके साथ ही हमारी मथुरा के पास स्थित गोकुल की यात्रा समाप्त होती है। दोस्तों, मथुरा बस अड्डे से बस का मात्र 60 रुपए किराया देके हम लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आ चुके हैं। गोवर्धन पर्वत के पास बने बस अड्डे के पास से ही आपको बैटरी रिक्शा भी मिल जाएगा जो आपको 200 से 300 रुपए लेकर 2 घंटे में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करवा देगा और परिक्रमा मार्ग में बने मंदिरों के दर्शन भी करा देगा। गोवर्धन यात्रा मार्ग में पड़ने वाला सबसे पहला मंदिर पुछरी का लौठा है। कहा जाता है यहाँ आशीर्वाद लेकर ही गोवर्धन पर्वत की यात्रा आरम्भ की जाती है। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला दूसरा मंदिर श्रीनाथ द्वार मंदिर है। इसी मार्ग में आपको ठाकुर श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का खूबसूरत मंदिर भी दिख जाएगा। गोवर्धन पर्वत के पास में ही राधा कुंड और श्याम कुंड भी है। गोवर्धन यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले कुसुम सरोवर की सुंदरता आप देखते ही रह जाएंगे। गोवर्धन यात्रा का आखिरी मंदिर मानसी गंगा मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पे स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। गोवर्धन पर्वत से थोड़ा आगे बसाना है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत से अब हम बसाना आ चुके हैं। बसाना में ही लठमार होली भी खेली जाती है। राधा रानी का मंदिर पहाड़ी पर थोड़ी ऊंचाई पे है, इसलिए हमें 200-250 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के राधा रानी के दर्शन के लिए जाना होता है। गोवर्धन पर्वत से बसाना आने में 1/2 घंटे का समय लगता है और गोवर्धन से बसाना की दूरी 20 किलोमीटर की है। राधा रानी का मंदिर बसाना बस अड्डे के बिल्कुल पास में ही है। मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 से 12 और शाम की टाइमिंग 4 बजे से 8 बजे तक की है। मंदिर की टाइमिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग दोपहर 1 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं और उन्हें 4 बजे तक मंदिर खुलने का इंतजार करना पड़ता है। बसाना वाले राधा रानी को श्री लाडली जी महाराज के नाम से बुलाते हैं। अभी आप उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी के मंदिर के दर्शन करने का सही समय रात का है क्योंकि रात की लाइटिंग्स में मंदिर और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। मंदिर ऊंचाई में होने के कारण ऊपर से नीचे देखने में बसाना गाँव बहुत ही सुंदर दिखता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्लेन में बैठे हैं। यहाँ से अब आपको बरसाना के कीर्ति मंदिर ले चलते हैं जो देखने में एकदम प्रेम मंदिर जैसा बना है। राधा रानी जी के मंदिर से अब हम
कीर्ति मंदिर आ चुके हैं। कीर्ति मंदिर राधा रानी मंदिर बरसाना से 5 मिनट और 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इस मंदिर को बनाने में 12 साल का समय लगा और इस मंदिर के गुंबद में 25 सोने के कलश लगाए गए हैं। यह मंदिर भी प्रेम मंदिर की तरह रात में रंग बदलता है। इस मंदिर को वृंदावन के प्रेम मंदिर की तरह ही श्री कृपालू जी महाराज ने बनवाया है। यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जो राधा रानी की माँ कीर्ति देवी के नाम पर है। कीर्ति मंदिर बसाने का एक खास मंदिर है जो देवी राधा और उनकी माँ को समर्पित है। कीर्ति मंदिर बरसाना सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 8 बजे तक खुलता है। कीर्ति मंदिर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ राधा रानी अपनी माँ कीर्ति की गोद में बैठी हुई हैं। जब आप श्री राधा रानी के मंदिर के दर्शन करने बरसाना आए तो उनकी माँ कीर्ति जी के मंदिर के दर्शन करने यहाँ जरूर आइएगा। कीर्ति मंदिर में भी आपको प्रेम मंदिर की तरह ही खूबसूरत झांकियाँ देखने को मिलेंगी।